आकृति 6.44 में आपको ये आकृति दी गई है। त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। यदि कोण पी क्यू आर कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी इस कोण के समद्विभाजक यानी ये दोनों कोणों को आपस में बराबर बराबर काटा गया है और इन दोनों कोणों के बीच में से एक लाइन जा रही है जो कि टी पे मिलती है, यानी कि इस कोण को मैं अगर एक ले लेता हूँ तो ये भी मेरा एक हो जाएगा, अगर इस कोण को मैं दो ले लेता हूँ तो ये भी मेरे पास हो जाएगा कोण दो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। आपने सिद्ध करना है कि कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर है। आसानी के लिए मैं एंगल इसको टी ले लेता हूँ, 1/2 एंगल इसको ले लेता हूँ पी, क्योंकि ये पी और ये टी है तो ये आराम से ये लिखे जा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेरा बाहर कोण है, ये मेरे अंदर वाले कोण है। जैसे कि हमारे पास है बहिष्कोण, जो बाहर वाला कोण है वो अंदर वाले कोण के दोनों के बराबर होता है, यानी कोण 4 बराबर 1, 1 जमा 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 2 जमा एंगल 2, तो ये मेरा बाहर वाला कोण होगा, अंदर वाला कोण हो जाएगा पी और 1 जमा 1, एंगल पी जमा एक और मेरे पास 1, तो ये 2 2 गुना में एंगल 2 हो जाएगा और ये एंगल पी हो जाएगा और ये 2 गुना में एंगल 1 हो जाएगा। मुझे एंगल पी का मान चाहिए, तो ये 2 एंगल 2 माइनस 2 एंगल 1 हो जाएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एंगल पी। एक स्टेटमेंट तो आपको ये वाली निकल के आ जाएगी और यहाँ पर आप लिख दोगे बहिष्कोण। और इसी के साथ साथ आपके पास होगी, ये आपका बाहर वाला कोण है, ये दोनों मेरे अंदर वाले कोण हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोण 2 बराबर एंगल P जमा एंगल 1। इसकी स्टेटमेंट मेरे पास होती है बहिष्कोण। तो एंगल 2 माइनस हो जाएगा एंगल 1 के, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा एंगल T के। तो दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास आ जाएगी ये वाली, इन दोनों में से मैं तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो एंगल 2 माइनस हो जाएगा एंगल 1 के, ये एंगल मेरे पास आएगा पी। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 से वैल्यू लेने पर, तो ये 2 गुना में मेरे पास हो जाएगा एंगल T बराबर हो जाएगा एंगल P। तो ये मेरे पास 2 यहाँ पर गुणा में है, इधर हो जाएगा भाग में, ये हो जाएगा एंगल P के। दोस्तों यही मुझे आपको सिद्ध करना था, एंगल T बराबर है मेरा 1/2 एंगल P के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाली वैल्यू जो मुझे दी गई है क्वेश्चन के अंदर, एंगल QTR बराबर हो जाएगा मेरा 1/2 एंगल QPR के। यही है आपका उत्तर।